हेलो दोस्तों, ये है रात का माहौल पुष्कर फेयर का। अभी वैसे तो 8:30 लगभग बज गई है और सभी टेंट बंद हो गए, घोड़े भी सब अंदर चले गए। अगर रात भी लोग रिंग के दिन या फिर रिंग से पहले और भी लोग अगर आ रहे हैं तो थोड़ा सा सर्दी का ध्यान रखते हुए अच्छे से कपड़े, गर्म कपड़े पहन के यहाँ ये ऊंट भी वापस शाम को अपने अपने घर की तरफ रवाना। जैसे रात का माहौल है तो आराम से सभी अपने अपने टेंट में, जो सभी फ्रेंड लोग होते हैं, जो भी घोड़े वाले मित्र होते हैं, वो अपने अपने दोस्तों को बुला के इनवाइट करके पार्टी जैसा माहौल देता है। और खैर पुष्कर फेयर है ही पूरा पार्टी वाला ही माहौल। ये बाबा बालक दास ही रहते हैं, कोशिश करेंगे कल मैं इनसे भी आपको मिलवाऊँ। ये कुछ घोड़े अब अनलोड हो रहे हैं बग्गी में, सॉरी पिकअप में से। आपको बाहर भी बंदे हुए देख रहे हैं, घोड़े लेटे हैं भी आराम से। उस घोड़े जैसे रोड पे भी आराम से बंदे हुए हैं, जो आई थिंक फोर से ले इस घोड़े के कुछ प्रॉब्लम है वो देख रहे हैं। ऑलमोस्ट नाइट का माहौल बड़ा जोरदार है, लाइटों की भी प्रॉपर व्यवस्था है लगभग रोड में। तो अंदर की साइड में थोड़ी सी तारों की खींचने के भी थे, जैसे एंट्री होते ही घोड़ों की आपको एक दो घोड़े दिखने चालू हो जाएंगे आराम से। किसी को झूल उड़ा रखी है ये छोटा सा पोनी बच्चा जो देख रहे हो आप। ये एंट्री पे जो व्यापारी है उन्होंने अपने अपने घोड़े बांध रखे हैं। ये दोस्तों पूरा जैसे नाइट का नजारा आपको टॉप से दिखा रहा हूं मैं। ये आपको यहाँ पे अगर नाइट विजन में दिख रहे हो तो ये सारे ऊंट है। ये देखो आप, अगर आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा तो ऊँटों की आवाज़। और इस तरफ ये पुष्कर फेयर जो मेला लगता है वो, और ये टॉप पर यहाँ पर सावित्री मंदिर। ये है दोस्तों अपनी पूरी रात का नज़ारा जो आप आराम से देख रहे हो। अगर लोग और भी आ रहे हैं पुष्कर फेयर में तो मेरा यही सबसे बेस्ट सजेशन है कि अपने सर्दी वाले कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा लेके आए, घोड़ों के भी और अपने खुद के भी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू।